सुप्रभात दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में उत्तराखंड एक्सप्रेस पे। तो आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट, और आज हम हैं गांव में अपने और जा रहे हैं गांव में। एक भाई है उसकी सगाई में, तो अभी उनका घर गांव से थोड़ा दूर है, तो पैदल रास्ते चल रहे हैं उनके घर जाने के लिए। सारे निकल गए, मैं ही लास्ट छूट गया हूँ। तो अभी चलते हैं आगे, और आज और यहाँ से जाएगी, यहाँ से बारात जाएगी सीधे गोपेश्वर मंडल की तरफ, और वहाँ पे अनसुया देवी मंदिर के गेट के इधर उधर ही है। तो आइए ले चलते हैं आपको गोपेश्वर मंडल की ओर, और सगाई का कुछ सीन आपको दिखाएंगे, कैसे गांव में सगाई की धूमधाम होती है और क्या क्या होता है। तो आइए चलते हैं। ये है गांव का पुराना रास्ता, इस रास्ते हमने बचपन में काफ़ी बाहर इस रास्ते घूमे हैं, इसी रास्ते हम स्कूल जाते थे अपने। तो ये है कुछ रास्ता ऐसा, और अभी यहाँ से चलेंगे ऊपर। गाइज अभी बेटी बारात, और चलते हैं अभी, काफ़ी टाइम भी ज़्यादा हो गया है और जाने में करीबन 4 घंटे भी लगेंगे, तो निकलते हैं फिर। आइए मिलते हैं फिर ऊपर। तो निकलते हैं अभी, तैयारियां हो चुकी हैं। तो पहुंच गया रोड में, और बाकी लोग आ रहे हैं अभी। तो गाड़ियां हैं ये, कुछ आगे लेके होंगी एक दो। तो निकलते हैं गोपेश्वर, अभी 4 घंटे का रास्ता फिर है, काफ़ी हालत ख़राब होने वाली है आज। तो मैंने बीच में बांधा दिया, साइड पर बांधा। अपना प्यारा पोखरी, ये तो आईटीआई वाला है, गवर्नमेंट की जमीन अवेलेबल तो होते दीलवल फिलहाल। लीज पर क्या हुए तो आप छोड़े नहीं तो डिवीजन छोड़ता हूँ पुलिस। लीज पर दीलवल जब फिलहाल सगाई के लिए अभी जा रहे थे, अभी हुआ है टी ब्रेक, तो अभी आगे निकलेंगे। यहाँ पे सब टी ब्रेक चल रहा है, तो अभी निकलते हैं आगे यहाँ से। तो अभी पहुँच गए हम कहाँ, चमोली मार्केट। चमोली गाड़ी भेजो तो क्या जबरदस्त ने। चौराना भी किलोमीटर है, नहीं क्या क्या करे सीना में करे यहाँ से। तीन मुला दे दिया ना बद्रीनाथ रोड़े हो चले यार पत्थर पत्थर। अनसुया माता गेट ना
अभी फाइनली पहुंच गए हो आगे मंडल में, अनसुया देवी माता के गेट पे ही है। यहाँ से शायद आधा किलोमीटर समथिंग ऐसा होगा पैदल चलने को, तो अभी निकलते हैं। काफ़ी बढ़िया व्यू है यहाँ पे। वो तो पेटी बरात भाई, विमान में कुछ चलो चलो भाई, कुछ छोटी तो नहीं कोई पे इधर, छोटी तो नहीं कोई पे इधर। दोस्तों फिर ये है ऊपर मंदिर, ऊपर है यहाँ पे काफी बर्फ गिरी हुई है, हाल ही में गिरी हुई है एक दो दिन पहले की, और काफी बढ़िया व्यू लग रहा है यहाँ से। जहाँ पे हमें यहाँ से 4 किलोमीटर आगे तो तगड़ा यार, अनसुया माता का है माथी डांडा पवली 4 किलोमीटर भाई। सब आ गए हम थोड़ा आगे घूमने चोपता की रोड पे, और ये है काफल रेस्टोरेंट। तो आइए चलते हैं काफल रेस्टोरेंट में। काफल रेस्टोरेंट या हमारे यहाँ पर रहने और खाने के, ये गजब बना रखा है यार भैया। ये है काफल रेस्टोरेंट्स की कुछ झलकियाँ, आगे ऊपर है कैंपिंग वगैरह के लिए बढ़िया बना रखा है पीछे से। आज थोड़ा यहाँ पे ही रेस्टोरेंट की कुछ खूबसूरत वीडियोस और कैप्चर कर दी है मैंने। फिर यहाँ पे आगे कुछ और बढ़िया सी चीज़ दिखी है मुझे, वो दिखाता हूँ आपको। ये है कुछ पानी का जो स्रोत है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है, तो आगे ले चलते हैं आपको। यहाँ पे रहने खाने के लिए बढ़िया है, बाबा नीम करोली बाबा काफी सुंदर है यार यहाँ पे तो बढ़िया। अभी वापिस ही, चलो 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 निकालो निकालो, चलते अभी वापिस ही और आगे मिलते हैं गोपेश्वर मार्केट में। सीट हो गई है फुल और हम बैठे हैं रिलैक्स। निकालो गाड़ी निकालो, चलो चल अबे मंडल भी छोड़ी। देखो क्या टाइम कितना हो रहा है, 4, 5, 6, 7, 8 बजे 8 बजे पहुंचेंगे हम घर की तरफ। ओ बच्चों भी छोड़ी भाई, यो घाम मत बड़ी जल्दी डूबी भाई। 8 बजे भाई तुम क्या तुम मन क्या मन मन अबे 9 बजे पहुंचो तो अब क्या खानता ओए बात नहीं गोरे तो जानो तुम भाई। हां 9 बजे 10 सिर जे प्योर क्या कर सकते हैं अरे तुम गोपेशो बहुत सही जगह है गोपेश्वर। सुबेर भी काम और शाम गजब चमक रहा है यार। सर त्याग नहीं है गोपेश्वर, गोपेश्वर वो क्या है यार, हम लोग मजा रहेंगे गोपेश्वर वो जो है पोखरी नगरी में। ठीक है यार सपनों का शहर पोखरी, पोखरी हो गया स्टार्ट यहाँ से। 2 घंटे 2 घंटे में पहुँच गए यहाँ, 2 घंटे। चलो 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 सीधा ठेके पे चलो। ये है पोखरी बाजार, अब ये लोग दारू के लिए जा रहे हैं और एक बीड़े की टांग भी लाएंगे। ये लाइव टेलीकास्ट है। अरे क्या खाएगा, मुर्गा खाएगा बोतल खाएगा, मच्छी 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 के पैर की कसम जिसने जो अरे मच्छी का पंख मुर्गी के पैर। यो हम तो पहले पहुंचा कहते हैं भाई पकाया ना ले रे बोल ले मुझे यहां, मुझे यहां पकाया ना क्या काम। चलो चलो पकाया ना ले मुझे यहां ले एक मोचन यो यमु भाई यमु चली अब नजदीक है फाइनली पहुंच गए हैं घर और काफ़ी मज़ा किया, काफ़ी थक भी गए हैं। काफ़ी बढ़िया शानदार जगह थी मंडल गोपेश्वर की तरफ,
अभी इस ब्लॉग की समाप्ति करते हैं और विदा लेते हैं आपसे, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ।